दोस्तों बात करते हैं अब नारियल की, नारियल पानी की। जो नारियल पानी अच्छे वाला है, नारियल पानी है, जानते हैं यहाँ का आज का नारियल पानी का रेट क्या कुछ है। अब आप दो मिनट रुको, मैं पूछूं। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी आज का? बाजार सर ये है 35 से लेके 45 तक है। सर जी अपनी एक तो दुकान का एड्रेस जो दो नंबर पीस है वो बिक रहा है 20 रुपये का। ये दो नंबर कैसा जो थोड़ा दागी हो जाता है? अच्छा। वो बढ़िया वाला 45 रुपये, 40-45 बिक रहा है। मान लो जो होलसेल में लेगा तो 40 रुपये, जो परचून में लेगा वो 45 रुपये। सौ 200-300 परचून में जितना मिले। परचून में क्या होता है, माल मोटा होता है। अच्छा। और जो होलसेल में जाता है वो छोटा मोटा मिक्स जाता है सब। अच्छा। ये बात। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस बोल दो जी। दुकान नंबर सर 20742 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, शिव फ्रूट कंपनी। 9312833267। धन्यवाद सर जी आज का रेट बताने के लिए। दोस्तों बात करते हैं विक्रम ट्रेंडिंग कंपनी पे, जो आज के नारियल का भाव है जानते हैं यहाँ के। जो विक्रम इनके पास आज दो गाड़ियाँ लगी, एक जो ताज़ा फ्रेश माल आया है वो भी अपने पास है जी। सर जी अच्छा जी, और जानते हैं क्या कुछ रेट चला? सर जी ये बताओ अपने पास किस जगह का माल आता है? बेंगलोर का माल आता है अपने पास। पूरी बेंगलोर बढ़िया हुआ जी, गुजरात बढ़िया, बेंगलोर बढ़िया होता है। हाँ जी। तो क्या कुछ रेट चला जी? आज माल बिका 20 रुपये से लेकर 38 रुपये। बेंगलोर बाजार सुस्त है, बाजार में ग्राहकी नहीं है। दोस्तों और ये इनके कौन सी दुकान का है? आशीष कपूर एंड कंपनी। हाँ जी अपने पास, अपने पास किस जगह का माल है? बेंगलोर का है सर। हाँ जी आपके पास क्या कुछ रेट चला? हमारे पास है कम से कम 40 से लेके 25 रुपये तक। बढ़िया एक नंबर माल देखो आप। हाँ जी। सर जी सारी दुकानों पे 1-2 रुपये का ये फर्क रहता है, 5 रुपये क्या सिस्टम होता है? जिसकी गाड़ी बैलेंस है वो 1 रुपये कम बेच देता है, जिसकी गाड़ी ताजी है वो 2 रुपये तेज बेच देता है। हाल इसका भी वही होना, कल आज 40 है तो कल 35 की रह जाना। आज खड़ा डंडे पे, कल डंडे से नीचे। डंडे का फर्क है, डंडा आता है लकड़ी वाला, लकड़ी का खेल है। दोस्तों यदि आपको इनकी होलसेल से इनकी दुकान पे माल लेना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हैं। ये स्पेशल 12 महीने इनका नारियल का ही काम है, कच्चे नारियल का। दोस्तों बात करते हैं अब आम की। जो छोटे भाई कुरेशी है जानते हैं इनके पास आज का क्या कुछ आम का बाजार चला। इनके पास काफ़ी जगह से माल आता है, जो आजकल आम का सीजन इनका चौसे का शुरू हो चुका, देखते हैं क्या कुछ रेट। सर जी नमस्कार जी। सर जी कहाँ कहाँ से माल आया जी अपनी दुकान पे? आज ये आज सियाने से, बुगराशी से, दौलतपुर से, गढ़गंगा से। हो सर जी आप तो ये छोटे डिब्बे भी है, इनमें क्या चीज़ है? इसमें आम है चौसा, कच्चा। और पक्के का क्या रेट, कच्चे का क्या रेट चला जी? कच्चे का रेट है जी ये डब्बे बचा 250 रुपये का। अच्छा, वजन है जी? इसमें वजन कितना है? वजन होगा 6-7 किलो, वजन नहीं है, 6-7 किलो वजन होगा इसमें बस। तो कच्चे डब्बे में 6-7 किलो वजन और 250 रुपये का। और सर जी ये कौन से वाला है आज? ये चौंसा है, पेड़ का पका हुआ। अच्छा, ये टपके का बोलते हैं जिसको, जिसे बोलते हैं 26 रुपये, 26 रुपये किलो। और ये कौन सा है जी? ये मसाले वाला, ये 50 रुपये किलो। इसमें इतना डिफरेंस क्यों जी? ये एक नंबर माल है, ये बढ़िया माल होते हैं, मसाले के पके हुए जो होते हैं अच्छे माल होते हैं। इनका कारण क्या था? और वैसे टपके वाले को तो ज़्यादा बढ़िया मानते हैं? नहीं बढ़िया नहीं मानते, यूपी में टपका बढ़िया मानते हैं, दिल्ली में कम रेंज कम होती है इसकी। हाँ दिल्ली में कम रेंज होती है इसकी, यूपी में ज़्यादा रेंज होती है इसकी। दोस्तों इसका कारण ये होता है कि यदि जो कोई इसको माल को यहाँ से खरीद कर ले जाना चाहे तो 2-4 दिन 1 हफ्ता भी ये माल ख़राब नहीं होगा। और इसमें जो आज खाने का या ज़्यादा करा है कल खाने का जो नहीं फिर ये ख़राब हो जाए, आज ही खाने का है, ये आज ही खाने का है, नहीं कल तक ये माल को ये बोलते हैं कि ये इसकी टेस्ट बिगड़ जाता है, तभी इसका रेट थोड़ा कम होता है टपके का। धन्यवाद जी सर जी रेट की जानकारी देने के लिए। दोस्तों बात करते हैं नाशपाती की। जो सुपर क्वालिटी की नाशपाती है इन भाई साहब के पास आज पहली बार आए इनकी दुकान पे, देखते हैं आज इसका क्या कुछ रेट चला। हाँ जी सर जी क्या रेट चला जी, मिनिमम क्या रेट है जी इसका? रेट भाई साहब 5 रुपये किलो से लेके 15-16 रुपये किलो तक। 5 रुपये वाली कौन सी है जी इसमें? 5 रुपये किलो वाली हल्का माल है। ये किस रेट का जी है? ये 5-6-7 रुपये किलो। ये 5-6-7 रुपये। और जो टॉप क्लास की रेट है ये 15-16 रुपये किलो है। हाई साई 15-16 रुपये किलो।
और इसकी पेटी में वजन कितना होता है? वजन होता है इसमें 20 किलो 18 किलो 19 किलो। अच्छा, ये तोल के देते हो आप अगर पेटी के हिसाब से? के हिसाब से ही जाती है ये सब, हुक्की के हिसाब से। बस फिलहाल ये पेटी का हिसाब चल रहा है जी 300 लेके 400 रुपए तक, 200 रुपए का भी बिक रहा है वो मतलब हल्का माल। ये जो है 200 रुपए, 180 रुपए, 150 रुपए। अच्छा, ये जो है 300 रुपए लेके 400 रुपए तक है। अच्छा, ये बाजार है। अच्छा, तो सर जी ये किस जगह की आती है अपने पास? ये यूपी लोकल शामली जिला। सर जी यदि कोई किसान यहाँ से व्यापारी माल लेके जाना चाहे तो अपनी दुकान का एड्रेस तो दो, क्योंकि दिल्ली मंडी में तो उसको ले जाने वाले काफी दूर दूर के आते हैं। जी जी, एड्रेस मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा आपको, ये शामली जिला शामली का केरन। नहीं, यहाँ का अपनी दुकान का एड्रेस जिसको यहाँ से खरीदना है जी, 1170 और जी लाइसेंस नंबर जी 2189। अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दो जी। 9953-1367-52। धन्यवाद जी सर जी रेट बताने के लिए। आप जाते हो भाई साहब, आपकी है जी? अच्छा, कौन सी जगह से आते हो जी आप? जिला शामली केराना जी। ये भी भाई साहब? हाँ, ये किसान है। धन्यवाद दोस्तों। अब बात करते हैं 2 अगस्त दिन सोमवार के दिन मौसम्बी की। देखो मौसम्बी की मंडी में आज 2-3 तरह की मौसम्बी देखने को मिल रही, एक थोड़ी से पीले रंग की गाड़ियां कई दुकानों पे, एक ये हरे वाली। जानते हैं क्या कुछ इसका बाजार, वैसे सहज भी अब तो मौसम्बी का पूरा बम्पर हो गया बरसातों के कारण पीछे बार से हैं। जानते हैं यहाँ के जो मौसम्बी बेचने वाले हैं भाई साहब, इनसे क्या कुछ रेट चला। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो क्या ये अपने पास कहाँ कहाँ की मौसम्बी आई थी आज? मेरे पास महाराष्ट्र की गाड़ी लगी यार, मंडी में एक ही गाड़ी है महाराष्ट्र की, औरंगाबाद की गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। पहले कहाँ की आती थी? पहले अनंतापुर और हैदराबाद से आती थी मौसमी। पहली बार आई? नहीं, 2 गाड़ी पहले बेच चुका हूँ मैं, तीसरी गाड़ी लगी है आज। बिल्कुल हरी गाड़ी होती है और साइज में मोटी होती है और मीठी होती है, गारंटी। तो इसका क्या रेट चल रहा जी, 1 से लेकर 4 नंबर तक महाराष्ट्र वाली का? 1 नंबर समझो बेचा 32-33 रुपये, 2 नंबर इसका बेचा 25 रुपये 26 रुपये, 3 नंबर बेचा 21-22 रुपये और 4 नंबर इसके अंदर कम है 16-17 रुपये का बिकेगा। और जो ये अनंतापुर की सर जी है जो पीले पीले साइज की, इसका क्या कुछ चल रहा है कहाँ की? अनंतापुर की गाड़ी जो है साइज छोटा है होती, वो भी चिकनी है बढ़िया, वो थोड़ी इस टाइम उनका फसल ख़त्म होने वाली है तो थोड़ा कलर पे हो गया माल, तो ज़्यादा दिन चलती नहीं। महाराष्ट्र वाली हफ्ता 10 दिन रखो तो चल जाएगी, अनंतापुर वाली 1-2 दिन में दागी हो जाती है, शिकायत आती है ग्राहकों, स्मेल आ जाती है मौसमी में। तो उस वाली का क्या रेट है जी अनंतापुर? अनंतापुर वाली का समझो 14-15 रुपये का 4 नंबर, 3 नंबर 18-19 रुपये का, मीडियम 23-24 रुपये का, 1 नंबर 25-26 रुपये का, ये बाजार है। धन्यवाद जी सर जी। और सर जी जो मिनिमम तो यहाँ आके चाहे एक कट्टा भी ले सकता है जी? एक कट्टा कम ज़्यादा बेचते हैं, किसी को घर के लिए चाहिए तो मोस्ट वेलकम है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होलसेल का काम है हमारा, थोक का काम है। मेरा नंबर आप लिख लो, बोर्ड दिखा दो। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके पास काफ़ी मौसम्बी का 12 महीने इनके आपको मौसम्बी का काम मिलेगा, इनके पास काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं मौसम्बी की। दोस्तों बात करते हैं तरबूज की और सर्दे की। जो यहाँ पर स्पेशल तरबूज को और सर देगा जिनका काम है कृष्ण लाल एंड सन्स, इनका 12 महीने दोस्तों आपको इनकी दुकान पे सरदा और तरबूज मिलेगा और खरबूजा भी मिलेगा। जानते हैं आज के इनके मंडी पे क्या कुछ रेट रहा। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार रहा जी तरबूज का? 40 रुपये बाजार रहा है और तरबूज बहुत बढ़िया है, 10 किलो वजन है तरबूज के अंदर, सरदा चाहिए 300 लेके 350 रुपये तक है। ये सूर्या है 350 रुपये का और शंटू है 350 रुपये का। हाँ जी, 2 क्वालिटी आती है तरबूज, शरदा बहुत बढ़िया है। हाँ क्वालिटी है, जो आंध्रा की क्वालिटी आ रही है वो पड़ोसी हमारे बेच रहे हैं 38 रुपये किलो और हम बेच रहे हैं 36 रुपये किलो। हाँ जी हाँ जी, जितना तरबूज चाहिए अपना ले सकते हो। हाँ जी 98-9811-6-6532। हाँ जी धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, आपको इनकी दुकान पे 12 महीने सरदा और तरबूज देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं अब सेब की। जो ईरान वाला सेब है जानते हैं इसका आज का क्या कुछ रेट है और इनकी दुकान पे क्या क्या सामान आया इनके बारे में। जो सेब है ये है ईरान का सेब, इनकी दुकान पर आया और एक आया अंगूर और एक ये माल्टा है इनकी दुकान पे, जो स्पेशल ये बाहर का विदेशी माल बेचते हैं। हाँ जी सर जी नमस्कार जी। ये सर जी क्या कुछ ये कहाँ का माल है जी?
ये ईरान का माल है, ईरान से आया, आज करा किलो इसका वजन है 750 में आज भाव है, भेजना है। और अंगूर भी आया, अंगूर 4 किलो है, उसका भाव 500 रुपये है। वो छोटी क्रेट कितने की? छोटा क्रेट 4 किलो वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा अंगूर है। और प्राइस? सॉरी, प्राइस कितना उसका? 500 रुपये अंगूर का। और ये माल्टा है, जो माल्टा माल सब ईरान से आती है, इधर बाईशी आती है, गुजरात से आती है, मंदुरा मंदुरा से दिल्ली आती है सीधा। अच्छा, उसका क्या प्राइस है? अंगूर का 500 है। नहीं, माल्टा, माल्टा, माल्टा का 800 रुपये। ऑरेंज 80 दाने 800 रुपये। ठीक है भाई, अपनी दुकान का एड्रेस क्या है? हमारा दुकान है C21 में, सी मार्केट में, पूरे ये माल उधर मिल जाएगा आपको। अगर आप ये क्रेट भी ले लेगा मिल जाएगा, 10 क्रेट भी ले लेगा मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर जी। दोस्तों, ये है ईरान का सेब, और ये जो बहुत मीठा अंगूर है, बहुत मीठा, जिनका इन्होंने प्राइस बताया, जो ये भी ईरान का है और ये ईरान का माल्टा है यहाँ का। दोस्तों, आज जो ये फ्रूट मंडी है बिल्कुल खाली हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर आधी भीड़ भी नहीं है। यहाँ से जो हिमाचल वाला सेब है आज वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पर जो अब आज़ादपुर मंडी में सेब बिकेगा वो कुल्लू मनाली वाली बेल्ट बिकेगी, या फिर जो यहाँ पर श्रीनगर का बिकेगा, या फिर थोड़ा बहुत उत्तराखंड का आता है वो बिकेगा। जो हिमाचल वाला शिमला बेल्ट बोलते हैं, जिसको शिमला किन्नौर बेल्ट ये रोड चला गया, ये वाला जो माल काफ़ी ज़्यादा आता है, ये आज से आपको नरेला मंडी, जिसको धामपुर मंडी भी बोलते हैं, नरेला मंडी में वहाँ पर मिलेगा। आज से 1 तारीख से, कल से मंडी नरेला चली गई, जो हिमाचल वाले सेब की मंडी है। दोस्तों देखो, दूर दूर तक मैदान खाली है, क्योंकि ये मंडी यहाँ से नरेला चली गई। ये अब से लेकर और दीपावली तक ये नरेला में ही, नरेला बॉर्डर है जहाँ पर, सिंह बॉर्डर भी जिसको बोलते हैं, उस जगह मंडी चली गई। ये हर साल मंडी वहाँ पर चली जाती है, ये अब से लेकर आपको दीपावली तक वहीं पर आपको हिमाचल का सेब मिलेगा, जो शिमला बेल्ट बोलते हैं, जिसको शिमले वाला सेब। दोस्तों बात करते हैं वीएनआर अमरूद की, जो वीएनआर अमरूद ये मध्य प्रदेश से आता है। देखो, जो बरसातों ने कारण गाड़ी में इनके डब्बे भी जो थोड़े से डैमेज हो गए, इससे जो है अमरूद के ऊपर भी असर पड़ा, अमरूद के ऊपर भी इनके रगड़ें लग गई। जानते हैं जो यहाँ का स्पेशल वीएनआर अमरूद बेचने वाले आड़ती इनके पास आज क्या कुछ इसका भाव रहा वीएनआर अमरूद का। सर जी नमस्कार जी, सर जी अपने पास क्या क्या सामान आया जी आज? आज भैया जी सिर्फ अमरूद ही आया, बरसात होने की वजह से बाकी माल रास्ते में रह गए। बरसात की वजह से जी? और बरसात का ये इसका अमरूद का क्या कुछ रेट चला जी? बरसात का अमरूद में रेट है जी 30 रुपये से लेके 40 रुपये किलो तक। आज डाउन है जी थोड़ा, उठाव नहीं है बरसात के कारण। और सर जी ये क्या सौदा है जो अपनी दुकान पर? ये कहाँ का? ये चकोतरा है, ये भी रायपुर का है, ये भी 30-35 रुपये किलो बिकता है। इसको काटो, इसके अंदर से संतरे की तरह फांके निकलती हैं, उसको फांक को छीलो, खट्टा मीठा टेस्ट आता है। ये आज ही है कल का है? नहीं जी नहीं, आता रहता है, 2-3 दिन के बाद आता रहता है। धन्यवाद सर जी आपका रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों ये स्पेशल वीएनआर अमरूद के और चकोतरे के बेचने वाले आड़ती हैं, इनके पास ड्रैगन फ्रूट भी आता है, पपीता भी आता है, अमीना पपीता। वो सर जी वो अमीना पपीता कब आएगा? 4 तारीख को गाड़ी है। हाँ जी दोस्तों, 4 तारीख को इनके पास दोबारा वो अमीना पपीते की गाड़ी आएगी, आपको लेना हो तो इस कॉन्टैक्ट पे आप बात कर सकते हो। कोई नहीं कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं अनार की, देखते हैं अनार की आज अनार मंडी में खुली ऑक्शन में बोली के भाई साहब के पास आज का क्या कुछ रेट चलेगा इनके पास, देखते हैं अभी से। ये कौन से वाला माल है जी? ये भैया नासिक का माल है, 18 दाना 8 डब्बे। देखो दोस्तों बोली में क्या चलता है। लो भाजी लो माल देखो भाजी, बढ़िया 1 नंबर कटिंग का लाल नासिक माल भैया। लो भाई लो, बोलो मेरे भाइयों क्या लिखूं भैया, एक डब्बा और खोल दे। ये है भाजी देखो माल, देखो कितना बढ़िया माल है। हाँ भाई क्या लिखूं भाई, 550 600 का माल है, 550 क्या लिखूं बोलो। एक बार जो मर्जी बोलो मेरे भाई, ये 550 है, बोलो जो मर्जी है।
300 गड़े 10 है, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 है, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 है, 40-50 हाँ भाई, 340-50 50 हो गए, 60 350 है, 60 हाँ भाई, 60 हाँ भाई, 60 350 रुपये। चल भाई, ये डिब्बा गया 350 रुपये का। देखते हैं दोस्तों, ये गुजरात का माल है, गुजरात वाला क्या रेट जाएगा माल। वो पहले नासिक था, ये गुजरात वाला। अरे एकदम चमका हुआ माल है मेरे भाई, खोल भाई डब्बा, खोल, कौन सी मिलती है गुजरात? जो 20 क्या लिखूं भैया, एक आवाज, जो मर्जी बोलो मेरे भाई, एक आवाज, क्या लिखूं भैया, बोलो भैया एक आवाज। 250 खड़े, 60 है, जाए 250, 60 हाँ भाई, जाए 250 का 60 भाई, हाँ भाई 60, 250 जाए 60, हाँ भाई 60। लाल है भैया, कटिंग का लाल है, 250 जाए 60, 250 मालिक रोटी दे। दोस्तों ये 20 डब्बों को लाट 250 रुपए का गया। हाँ जी सर जी, अपने पास आज हाई से हाई क्या रेट गया? हाई से हाई भाजी अभी आए हैं, मंडी चालू करी है आज, थोड़ा मंडी में आवक बहुत है, ग्राहक है मंडी में, तो आज बाजार ठीक जाएगा मेरे हिसाब से, 1000 रुपये तक बिके होंगे अभी, बाकी अपने पास बिका नहीं है। दोस्तों ये था आज का अनार का भाव। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, यदि आपको इनकी दुकान से माल लेना हो या इनकी दुकान पर माल बेचना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पर बात कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं विदेशी फलों की, जो विदेशी फलों में ये काफ़ी तरह के फल हैं इनके पास, कीवी है, माल्टा है, सेब है, जानते हैं यहाँ के जो स्पेशल होलसेल के बेचने वाले। सर जी नमस्कार, पहले ये बताइए कि आज आपके पास वो इंपोर्टेड सेब था, वो नहीं आज अभी? नहीं वो आज नहीं है, आज ख़त्म हो गया है। अच्छा, गाड़ी का नहीं है। अच्छा, ये कौन से वाला है और जो दूसरा है? वो गाला है ब्राज़ील का। अच्छा, 8 किलो में। अच्छा, 1600 रुपये का है। और सर जी ये माल्टा अपने पास, ये वाला माल्टा, ये साउथ अफ्रीका का है। अच्छा सर, ये 1400 रुपए का है, 15 किलो माल है। अच्छा। और ये दूसरा वाला, ये इजिप्ट का है। ये हाँ, ये इजिप्ट का है। ये क्या सर, मुल्क है ये भी कोई? हाँ, ये सहरा कोई? हाँ, इजिप्ट कंट्री है। अच्छा अच्छा, ये क्या रेट है जी? ये सर 900 रुपए का है, 15 किलो। ये कीवी तो कुछ अलग है, ये वाली? ये गोल्डन कीवी है, न्यूजीलैंड की। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये सर 475 रुपए की है। कितने पीस? 12 पीस। 475 रुपए के? जी जी, 12 पीस। और ये भी न्यूजीलैंड के, ग्रीन है। अच्छा, इसका क्या रेट? ये 700 रुपए के, 30 देना। अच्छा जी। और ये सर जी, ये क्रेट का? क्रेट सर 2000 रुपए का। इसमें कितने पीस मिलेंगे? इसमें 120 पीस है। अच्छा। बाकी ट्रे की तो ही पैकिंग होगी 30 दाने की। ये ट्रे कितने की जी? ट्रे 500 रुपए की है, ये वाली। हाँ, 500 रुपए की है। और कितने पीस? 30 पीस। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। धन्यवाद भाई साहब रेट बताने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।